दोस्तों, तो जैसा कि आज आपको पता है, UP SSSC पैट का जो है आज एग्ज़ाम था 29 अक्टूबर को, और एक एग्ज़ाम जो था वो कल था 28 अक्टूबर को। पैट के 2 दिन एग्ज़ाम हुए, आपको 2 दिन देखने को मिले होंगे। एक हुआ आपका 28 और एक 29। अगर बात करी जाए दोनों में से सबसे टफ एग्ज़ाम किस शिफ्ट का था, 28 का या 29 का, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि किस शिफ्ट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ आया और आपको किस शिफ्ट में फ़ायदा मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा टफ एग्ज़ाम आया 28 तारीख के शिफ्ट का, क्योंकि इन लोगों को पता भी नहीं था कि कैसा पैटर्न आना है और कैसा आ रहा है एग्ज़ाम। और 28 तारीख की शिफ्ट में जो है आप DI जो देखेंगे, DI वो उसका लेवल बहुत ही लेंदी जा रहा था। उसके साथ साथ अगर GS की बात करी जाए तो GS बहुत ही टिपिकल और घुमावदार पूछी गई 28 तारीख को, जबकि 29 तारीख को अगर DI देखी जाए तो इतनी लेंदी DI नहीं दी गई। और 29 तारीख को GS भी थोड़ा हल्का देखने को मिला है। 29 तारीख के बच्चे जो हैं उनके नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे 28 वालों की अपेक्षा। अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए तो 28 तारीख के बच्चों को शिफ्ट का फ़ायदा नॉर्मलाइजेशन का इसमें मिलना चाहिए। बाकी आप लोग बताएं कि कौन सी शिफ्ट का एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड था, कमेंट में आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो 28 तारीख के जो बच्चे थे बेचारे बहुत परेशान हैं, उन लोगों को 10-20 नंबर बढ़ के मिल जाने चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और 28 तारीख वाले शिफ्ट के बच्चों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।